Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on the topic जिसका नाम है EDUSAT, EDUSAT, ठीक है जी. एक्चुअली में ये क्या है, एक सैटेलाइट है, ठीक है जी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है. इसका फुल फॉर्म है एजुकेशनल सैटेलाइट. ये क्या है, एक सैटेलाइट है जो जैसे बच्चे आजकल क्या है, सभी चीज़ें ऑनलाइन देखने को मिलती हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, हमारी जो टीचिंग है वो भी ऑनलाइन होती है, ठीक है जी. तो ये क्या है, एक एजुकेशनल सैटेलाइट है जो हमें क्या करती है, हमें एक तरह से एक प्लेटफॉर्म दे देती है, ठीक है जी. एक सैटेलाइट ऐसी है जिसकी हेल्प से हम अपनी जो स्टडी होती है, टीचिंग हो चाहे लर्निंग हो, उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. विद द फुल यूज़ ऑफ इंटरनेट हम क्या है, एजुकेट हो सकते हैं, ठीक है जी. इट इज़ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑल्सो नोन एज GS-83, ठीक है. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी विद द कॉपरेशन ऑफ इसरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसरो के साथ कोऑपरेट करके क्या लॉन्च की थी, एक सैटेलाइट जिसको हम बोलते हैं EDUSAT, ठीक है. कब की थी, ऑन 28 सितंबर 2004 फ्रॉम श्रीहरिकोटा, ठीक है जी. ये सबसे पहली एजुकेशनल सैटेलाइट है जो इंडिया में आई थी, सबसे पहली, ठीक है. विच प्रोवाइड द कंट्री विद द सैटेलाइट बेस्ड ऑन द टू वे कम्युनिकेशन टू डिलीवर द एक्सीलेंट एजुकेशन. टू वे कम्युनिकेशन मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे हो गई, ऑनलाइन टीचिंग हम करते हैं. ये सब चीज़ें क्यों पॉसिबल है, इस सैटेलाइट की वजह से ही, ठीक है. हम क्या कर सकते हैं, टू वे कम्युनिकेट कर सकते हैं. जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, ठीक है जी, जो भी हम क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हुए जिस भी चीज़ से एजुकेशन प्रोवाइड हो, हमें लर्निंग अच्छी हो, इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, वो सभी क्या आ जाती हैं, हमारी इस EDUSAT में आ जाती हैं, राइट. यूजेस ऑफ EDUSAT, अभी देखिएगा, EDUSAT एक सैटेलाइट है. इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, टीवी ब्रॉडकास्ट में, ठीक है, रेडियो ब्रॉडकास्ट करना है, सारी दुनिया तक कोई चीज़ पहुँचानी है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट. ऑनलाइन एजुकेशन थ्रू इंटरनेट हमने देनी है, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ये भी क्या है, सैटेलाइट की हेल्प से ही हो रहा है. टेलीफोन करना है, हमने किसी को भी कॉल करनी है दूसरी साइड से, वो बंदा बोलेगा, हम बोलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, ये सब चीज़ें क्यों पॉसिबल है, इस सैटेलाइट की वजह से ही, ठीक है. वेब कैम हो गया, ठीक है, कैमरा यूज़ करते हैं हम जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं उस टाइम. वॉइस चैट्स हो गई इंटरनेट पे, ये क्यों पॉसिबल है, सब कुछ सैटेलाइट की वजह से ही पॉसिबल है, ठीक है जी. इट इज़ द फर्स्ट फुल फ्लेज एजुकेशनल सैटेलाइट, सबसे पहली फुल फ्लेज ये क्या है, एक सैटेलाइट है जो हमें प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है. देखो सैटेलाइट्स तो पहले भी आई, जैसे सिंपल हम क्या करते थे, वीडियो कॉल्स किया, सिंपल कॉलिंग वगैरह करते थे, ये सब होता था. बट एजुकेशनल सैटेलाइट मतलब एजुकेशन के जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये सैटेलाइट, ठीक है. इट्स कैन कवर द होल ज्योग्राफिकल इंडिया, सारे इंडिया को कवर कर लेता है ये एक तरह से. गूगल पे आपने कुछ सर्च करना है, यूट्यूब पे आपने कुछ सर्च करना है, दो मिनट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. हाउ इज़ इट पॉसिबल, बिकॉज ऑफ EDUSAT, दैट इज़ एजुकेशनल सैटेलाइट, ठीक है जी. अब देखो इसको, सैटेलाइट को लॉन्च किया गया ताकि सारे बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाई जाए, सबको प्रॉपर एजुकेशन मिले, किसी को कोई दिक्कत ना आए पढ़ाई वगैरह में. प्रॉपर कोई सर्च करनी है, फटाफट सेकंड्स में आपको हर एक चीज़ का जवाब मिल जाता है. तो इसके मेन एम्स क्या हैं, अब ये पढ़ेंगे कि EDUSAT तो लॉन्च की, अब इसका मेन एम क्या है. सबसे पहला एम है टू मीट द डिमांड फॉर एन इंटरैक्टिव सैटेलाइट बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन. वो लोग जो दूर बैठे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वो भी चाहते हैं कि हम क्या है, एजुकेट हों. जैसे हमने किया था ना MOOCs प्लेटफॉर्म, ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, कि कोई भी पर्सन है चाहे कितनी भी दूर बैठा है, किसी भी शहर में, किसी भी देश में बैठा है, घर बैठे एजुकेशन पा सकता है, राइट, विद सर्टिफिकेशन. तो वो क्या आ जाता है, एक EDUSAT का ही एक हेल्पफुल कह सकते हैं चीज़ आ जाती है. प्राइमरली फॉर प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू द स्कूल, कॉलेज, हायर लेवल एजुकेशन, ऑल्सो टू सपोर्ट नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है. फॉर्मल एजुकेशन तो इंक्लूडेड ही है, कि स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिल गया, दूसरे दिन कोई असाइनमेंट बनानी है,
कुछ ना कुछ आप क्या करते हो, फटाफट गूगल पे जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो, कितने टॉपिक सर्च कर लेते हो, ठीक है, कितने ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है विकिपीडिया के थ्रू, ब्लॉग्स वगैरह बनाते हो आप, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो भी इंटरनेट के थ्रू हो, इंटरनेट के माध्यम से हो, वो क्या आ जाता है, एडुसैट में आ जाता है। फॉर्मल एजुकेशन तो मिलेगी मिलेगी, प्लस नॉन फॉर्मल, कि आपको अगर कोई वैसे जैसे कोई देसी नुस्खे हो गए आपने देखने होते हैं, नॉन फॉर्मल जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस यू कैन से, और या कुछ आपने कुछ नई चीज़ सीखनी है तो आप इजीली इस माध्यम से सीख सकते हैं। राइट नाउ फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या हैं, पहला इट कवर्स ऑल द ज्योग्राफिकल एरिया इन साइड द कंट्री, सभी एरियाज़ को कवर करता है ये प्रॉपरली, ऐसा नहीं है ये देश छोड़ दिया या इसको छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है, सारा कवर करेगा। सेकेंड इट कैन प्रोवाइड इंटरैक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन, सबको प्रॉपर एजुकेशन मिल सकती है इसकी हेल्प से। इट कैन प्रोवाइड कंसिस्टेंसी टू इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन है कंसिस्टेंट होगी, प्रॉपर होगी, क्लियर होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जैसे न्यूज़ चैनल्स वगैरह वाले हो गए, आपको क्या फटाफट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, दो मिनट में आपको क्या है ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है आज इस शहर में ये हुआ या भूकंप आने वाला, कोई भी वेदर फॉरकास्टिंग, छोटी से छोटी चीज़ हो सब कुछ आपको क्या घर बैठे पता लग जाती है थ्रू योर मोबाइल फोन्स। इट इज़ अ सैटेलाइट फुली डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ एजुकेशन, ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो फुल्ली एजुकेशन को डेडिकेटेड है फुल्ली, ठीक है। इट इज़ यूजफुल टू इम्प्लीमेंट वर्चुअल क्लासरूम्स इन रिमोट एंड रूरल एरियाज़, ठीक है, रूरल एरियाज़ में और रिमोट एरियाज़ में, जहाँ तक आजकल एजुकेशन, आज तक एजुकेशन कई जगहों पर नहीं पहुँच पाई है, वहाँ पर भी क्या है एक छोटे क्लासरूम्स लगवाए जाते हैं, जैसे होता नहीं है प्रोजेक्टर्स जो लगवाते हैं, ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्टर्स होते हैं, ये क्या है इसी में तो हेल्प करता है ये। इट्स कैन प्रोवाइड ऑडियो विजुअल मीडियम एंड इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया फैसिलिटी है, मल्टीमीडिया मतलब हर तरह के एड्स, ऑडियो एड्स हो, विजुअल एड्स हो या ऑडियो विजुअल एड्स हो, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, रेडियो हो गया, कैसेट होगी, ऑडियो प्लेयर हो गए, सब कुछ, ठीक है, हम इसकी हेल्प से क्या है प्रॉपर एजुकेशन ले सकते हैं। इट्स कैन ओपन अप मैनी पॉसिबिलिटीज़, लाइक आप ऑनलाइन टीचिंग करवा सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, बहुत से प्लेटफॉर्म्स ओपन कर सकते हो, आप खुद का एक चैनल जैसे मैंने चलाया है मैं चला सकती हूँ, क्यों, विद द हेल्प ऑफ दिस एडुसैट। कैन बी यूज एट ऑल द लेवल्स फ्रॉम प्राइमरी टू प्रोफेशनल कोर्स, कोई भी कोर्स हो, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक, हर एक के लिए हेल्पफुल है ये। कैन प्रोवाइड लाइव लेक्चर सेशन फ्रॉम द बेस्ट एंड एक्सपर्ट्स, लाइव लेक्चर्स ले सकते हैं आप, यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा कई टीचर्स हैं लाइव सेशंस लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर एक्सपर्ट्स हैं जो वो अपना लाइव सेशन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है जी। देन इट कैन फैसिलिटेट द प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी इन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, बिल्कुल सही है, सबको इक्वली, मतलब ऐसा नहीं है कि इंटरनेट सिर्फ गरीबों के लिए नहीं चलेगा अमीरों के लिए चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कास्ट एंड क्रीड, कास्ट क्रीड रिलीजन ये सब चीज़ें देख के कभी इंटरनेट नहीं चलता, ठीक है, वो सबके लिए इक्वल होता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट्स विल गेट द फैसिलिटी टू सी वट दे रीड इन द टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, जो भी आपने टेक्स्ट बुक में जैसे पढ़ा वो आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, बहुत सी चीज़ें, जैसे बुक में आपने कोई एक्सपेरिमेंट पढ़ा, केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल देखा, आप सोचोगे कि क्यों ना मैं अगर खुद नहीं कर सकता तो कम से कम यूट्यूब पे जाके देखता हूँ, कईयों ने किया होगा, जैसे कोई पूरी टेक्स्ट बुक्स पढ़ाते हैं ना, पूरा पूरा लेक्चर देते हैं, उन्होंने किए होते हैं ये एक्सपेरिमेंट, तो आप देख के वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, तो वो क्या आ जाएगी, एडुसैट में आ जाएगी। उसके फ़ायदे क्या होंगे अब देखिए जी, डिस्टेंस एजुकेशन अच्छी होगी, ठीक है, कोई दूर से बैठा है, कोई देश में बैठा है, एजुकेशन लेना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। दूसरा, एजुकेशन कुड बी अवेलेबल एट अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स कॉस्ट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने मर्जी बच्चे हों फ़र्क नहीं पड़ता, सबको प्रॉपर एजुकेशन फुल्ली मिलेगी। इट एलिमिनेट्स द डिमांड ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ टीचर्स, ठीक है, यहाँ पे इतना ऐसा नहीं है कि अरे मैंने गूगल खोला मुझे सर्च करनी कोई चीज़ कोई टीचर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बच्चे अपने पेस पे सेल्फ पेस्ड लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई टीचर नहीं चाहिए कि बहुत टीचर्स लेके आओ तब जाके हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, एक टीचर है, चाहे कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ या कोई और टीचर है, एक टीचर आपको कितने मतलब सारे नोट्स प्रोवाइड कर रहा है एक तरह से, मतलब ऐसा नहीं कि आपको दो तीन टीचर्स चाहिए जो आपको नोट्स देंगे, नहीं जी। Then this education reaches a doorstep of students, ठीक है जी, आपके घर बैठे आपको प्रॉपर एक एजुकेशन मिल रही है थ्रू द इंटरनेट, आप बहुत सी चीज़ें सर्च कर सकते हो, डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हो,
ये किसके थ्रू होता है? सिर्फ एजुकेशन सैटेलाइट के थ्रू होता है, ठीक है। देर इज़ नो नीड फॉर स्टूडेंट टू गो इन सर्च ऑफ गुड एजुकेशन। आपको किसी कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है एडमिशन्स के लिए। घर बैठे आपकी ऑनलाइन एडमिशन्स हो जाती हैं, ठीक है जी। ऑनलाइन आप स्टडी कर सकते हो और आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना और आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, राइट। देन कम्स द लिमिटेशंस। अब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो फ्री में मिलेगा ही मिलेगा। पहला, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट फैसिलिटी हर जगह नहीं होती। आजकल देखिए, आप शहरों में जाओगे वहाँ पे आपको इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाएगी बहुत इजीली, वाईफाईज होते हैं। बट यही आप अगर किसी छोटे गांव वगैरह में जाओगे, आज भी देखो इंटरनेट फैसिलिटी वहाँ पे प्रॉपर नहीं है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। क्योंकि देखो, सैटेलाइट तो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, ठीक है, इंटरनेट चलता है जस्ट बिकॉज ऑफ दी एडोसैट। बट अगर इंटरनेट ही नहीं चलेगा तो ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कैसे होंगी, राइट। लैक ऑफ एफिशिएंट इंस्ट्रक्टर्स। अभी देखिए, इंटरनेट चलाना है, उस चीज़ को यूटिलाइज कैसे करना है, ये भी कहीं ना कहीं आजकल क्या है, एक प्रॉब्लम है। देखो, हर किसी को नहीं आता इसका यूसेज करना, ठीक है, मतलब चलाना नहीं आता इन द सेंस, कहीं को कंप्यूटर्स तक की नॉलेज नहीं है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, ठीक है। लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज में बिजली की दिक्कत रहती है, वाईफाई इंटरनेट क्या करेगा, वहाँ पे चलेगा ही नहीं, वेरी एक्सपेंसिव। तो देखिए जी, वाईफाई सेट करना अपने घर में, इंटरनेट की सुख सुविधाएं, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है जी, और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वहाँ पे ये एक क्या है, डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 14 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है जी। अच्छे से रिवाइज कीजिएगा इस क्वेश्चन को, एंड आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।